भगौड़े नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे बड़े फ्रॉडर्स को आरबीआई ने सच्चा कारोबारी साबित होने का मौका दिया है क्या? ये हम क्यों पूछ रहे हैं? दरअसल इसलिए क्योंकि रिजर्व बैंक ने अपनी नई गाइडलाइंस जारी की है और भारतीय रिजर्व बैंक ने कर्ज लेने वालों को एक बड़ी राहत दी है। आरबीआई के नए नियम के मुताबिक डिफॉल्ट करने वाले कर्जदारों को सेटलमेंट करने का मौका मिलेगा, वही बैंकों और फाइनेंशियल कंपनियों के फंसे कर्ज का निपटारा करने के तौर तरीकों को ये फैसला पूरी तरह बदल सकता है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या ये बदला फिर कभी नीरव मोदी और विजय माल्या कांड होने से रोक पाएगा? सारे सवालों का जवाब और ये पूरी डिटेल्स जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूँ श्रेया ठाकुर। आरबीआई की नई गाइडलाइन कहती है कि अगर कोई शख्स लोन डिफॉल्टर बन चुका है और कोई कंपनी बैंक फ्रॉड में शामिल रही है तो बैंक और फाइनेंशियल कंपनी कुछ कम पैसों में हिसाब किताब करके लोन का सेटलमेंट कर सकते हैं। इस सेटलमेंट के दौरान कर्जदार के प्रति कोई कानूनी या आपराधिक कार्रवाई की भावना नहीं रखी जाएगी। इस सेटलमेंट को लेकर केंद्र बैंक ने कुछ नियम कायदे भी बनाए हैं, चलिए वो जानते हैं। किसी कर्जदार को डिफॉल्टर होने या कंपनी के बैंक लोन फ्रॉड करने की स्थिति में सेटलमेंट का अमाउंट गिरवी रखे सामान की मौजूदा नेट वैल्यू से कम नहीं हो सकता, जबकि बैंक डिफॉल्टर के लोन को रीस्ट्रक्चर नहीं कर सकते हैं और ना ही उसे नया लोन दे सकते हैं। लोन का कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट या टेक्निकल राइट ऑफ करने के हर मामले में बैंकों को एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अप्रूवल लेना होगा। इतना ही नहीं, किसी को विलफुल डिफॉल्टर घोषित करने में सावधानी बरतनी होगी क्योंकि लोन के कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट पर फैसला लेने की जिम्मेदारी बैंक के ऑपरेटिंग ऑफिसर के बजाय अब सुपरवाइजर ऑफिसर की होगी। इसके अलावा बैंकों को अपने लोन देने के फैसले पर ज्यादा जिम्मेदारी दिखानी होगी। बैंक कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट या टेक्निकल राइट ऑफ की प्रोसेस को लोन की न्यूनतम अवधि और उसके एवज में रखी किसी संपत्ति की वैल्यू में आती गिरावट के आधार पर लेंगे। इतना ही नहीं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या कमेटी इन लोन के ऐसे सेटलमेंट को मंजूरी देगी उनका पद लोन आवंटित करने वाले अधिकारियों से ऊंचा होना चाहिए। इस व्यवस्था में आरबीआई ने एक और प्रावधान लागू किया है। विलफुल डिफॉल्टर या फ्रॉड करने वाली कंपनी अगर सेटलमेंट या टेक्निकल राइट ऑफ के बाद नया लोन लेना चाहती हैं तो बैंकों को कम से कम 12 महीने के कूलिंग पीरियड फॉर्मूला का पालन करना होगा, यानी बैंक 12 महीने के बाद ही नया लोन आवंटित कर सकेंगे। अब जो सवाल हमने शुरुआत में विजय माल्या और नीरव मोदी के बारे में पूछा था उसका जवाब है नहीं, वो लोन सेटलमेंट करने की स्थिति में नहीं है क्योंकि बैंक लोन डिफॉल्ट करने के बाद उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हो गए जिसके चलते उनकी संपत्तियां जब्त हो गई हैं। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।